आज हम शुरू करेंगे रिलेशंस अभी देखिए रिलेशन क्या है ये हम बाद में समझेंगे मैथमेटिक्स में ठीक है और इसके पहले हमें कुछ चीजें हैं जो मालूम हो सबसे पहले है ऑर्डर्ड पेर अब देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली दो एलिमेंट्स है ना ऑर्डर्ड पेयर मतलब टू एलिमेंट्स लेट्स से ए एंड बी ठीक है विद इन सिंपल ब्रैकेट है ना ये जो सिंपल ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट के अंदर अगर हम दो एलिमेंट्स को रखते हैं ठीक है तो हम उसको ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं ठीक है ना और ऑर्डर्ड वाई ऑर्डर्ड ये ऑर्डर्ड वर्ड इसलिए आया देखिए पेयर मतलब तो दो एलिमेंट्स ऑर्डर इसलिए आया बिकॉज ए एंड बी बी एंड ए हैव डिफरेंट मीनिंग ए एंड बी ये एक अलग ऑर्डर पेयर है बी एंड ए ये एक अलग ऑर्डर पेयर है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ग्राफ सबने बनाया होगा नाउ लेट्स से दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैं मैं ये point लेता तो मैं इसको क्या लिखूंगा थ्री कॉमर टू राइट अच्छा टू ऑन एक्स एक्सिस थ्री ऑन वाई एक्सेस टू कॉमा थ्री लिखेंगे है ना अब देखिए ये जो पॉइंट है इसको मैं कभी भी थ्री कॉमा टू नहीं लिख सकता क्यों या फिर ये जो पॉइंट है इसको हमेशा हमें थ्री कॉमर टू ही लिखना 2, क्यों ऐसा? तो उसका रीजन है कि हम जब भी ग्राफ में कोई point, कोई पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो उसकी पोजीशन जो हम बताते हैं उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं कि हमेशा हम एक्स पहले लिखेंगे वाई बाद में लिखेंगे ठीक है ना और अगर ये थ्री थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो एक्स वाई और उसके बाद जेड आता राइट right? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जेड एक्सेस भी आ गया दिस इज प्लस दिस इज प्लस एक्स एक्स वाई एक्सेस फ्रंट में हो गया जेड एक्सेस ठीक है ना जेड एक्सेस का नेगेटिव बैक साइड में चले जाएगा तो ठीक है ना तो एक्स वाई जेड ये लिखने का तरीका ही है कि हम हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट फिर जेड कोऑर्डिनेट ये कुछ रूल्स हैं जो डिफाइन किए हुए हैं जिसको हमें हमेशा फॉलो करने हैं राइट right? जैसे हम अगर गाड़ी चलाते हैं तो इंडिया में हमें गाड़ी को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही चलाना है नेवर ऑन द राइट हैंड साइड राइट ये ट्रैफिक रूल है रेड लाइट है तो हमें गाड़ी को रोकना है ये रूल है तो ऐसे ही यहां पे रूल है कि विल ऑलवेज राइट एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाई कोऑर्डिनेट नेक्स्ट नेवर वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड एक्स कोऑर्डिनेट नेक्स्ट ऐसा कभी नहीं करेंगे तो यहां पे टू कॉमा थ्री इज अ डिफरेंट पोजिशन एंड थ्री कॉमर टू इज अ डिफरेंट पोजिशन तो यहां पे जो मुझे ए कॉमा बी मिला है और ये जो बी कॉमा ए में बोल रहा हूं दे आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर ठीक है ये बात समझ में आ गई कि वॉट इज एन ऑर्डर्ड पेयर अच्छा इसके बाद हमें इक्वालिटी ऑफ ordered पेयर इक्वालिटी ऑफ ordered पेयर देखिए अगर मुझे x, कॉमा वाई एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है एंड लेट्स से एक और ऑर्डर पेयर दिया हुआ है ए कॉम बी सपोज आपको बोला है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट एक्स है दिस मस्ट बी इक्वल टू ए हमेशा सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट वाई है दिस मस्ट बी इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट बी मतलब हमेशा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के इक्वल ठीक है ना ये दोनों आपस में इक्वल है नहीं है मैटर अच्छा सेट 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 थ्योरी में लाइक like, हमने पढ़ा है इज इज अ अ एंड दे आर सेम पे ऐसा नहीं है पहली चीज दूसरी चीज सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं बट ऑर्डर्ड पेयर के केस में सिचुएशन आ सकती है लाइक like, दोनों एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स कैन बी सेम है ना क्योंकि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो वन कॉमा वन ये भी एक पोजिशन है ऑन ऑन एक्स वाई राइट तो सेट में हमने समझा था कि एलिमेंट शुड बी रिटर्न ओनली वंस है ना यहाँ पे एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए बट ऑर्डर्ड पेयर में दे कैन रिपीट ठीक है बिकॉज दिस इज ऑन एक्स एक्सेस दिस इज ऑन वाई एक्सेस ऐसे हम मान के चल सकते हैं तो इक्वालिटी के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट द सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट अदरवाइज ये ऑर्डर पेयर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते सिमिलरली अगर मान लीजिए ऑर्डर ट्रिपलेट मिलता है ठीक है ना इसे ऑर्डर ट्रिपलेट मिलता है ठीक है ना ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ठीक है इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी तो जरूरी है कि एक्स मस्ट बी इक्वल टू ए वाई मस्ट बी इक्वल टू बी एंड जेड मस्ट बी इक्वल टू सी ठीक है एंड सो ऑन हमें मतलब जितने भी एन नंबर ऑफ मान लीजिए ये एन एलिमेंट्स मिलते हैं किसी ऑर्डर में

थ्री लिखा और वन थ्री टू लिखा दे आर नॉट सेम दे आर डिफरेंट है ना जबकि सेट थ्योरी में क्या होता था अगर मैं वन टू थ्री लिखता हूं और वन थ्री एंड टू लिखता हूं ये दोनों सेट हम इक्वल बोलते थे बट नॉट इन द केस ऑफ ऑर्डर पेयर ऑर्डर ट्रिपलेट एंड सो ऑन ठीक है ये बात समझ में आ गई आगे देखिए ऑर्डर पेयर तो आपने समझ लिया अब हम समझेंगे कार्टिशियन प्रोडक्ट कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ठीक है ना दो सेट का हमें क्या करना है कार्टिशियन प्रोडक्ट निकालना है कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ठीक है ना हमें दो दो सेट दिए हुए हैं और उसका मुझे प्रोडक्ट निकालना है अब एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं लेट्स से सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी एंड लेट्स से सेट बी इज इक्वल टू वन टू एंड थ्री हम ले लेते हैं अब मुझे बोला है फाइंड ए क्रॉस बी ठीक है ना ए मल्टीप्लाई बी को हम यहाँ पे सेट में रीड करते हैं ए क्रॉस बी ठीक है ना ए क्रॉस बी राइट अब देखिए ए की वैल्यू इज ए एंड बी ठीक है अच्छा मुझे इसको क्रॉस किससे करना है बी मुझे क्या सेट दिया हुआ है वन टू एंड थ्री नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे लाइक like, आर्थमैटिक uh, में मेरे को टू इंटू थ्री बोला है मैं अगर थ्री इंटू टू भी करता हूं बात एक ही है है ना टू इंटू थ्री सिक्स थ्री इंटू टू सिक्स आपको बोला फाइव इंटू सेवन कईयों को अगर फाइव सेवनजा नहीं मालूम है तो वो सेवन फाइव देखते हैं क्या है राइट फाइव सेवनजा थर्टी फाइव या फिर मान लीजिए किसी को सेवन फाइव या याद नहीं है तो वो फाइव सेवनजा बताता है कि हाँ फाइव सेवनजा थर्टी फाइव तो इट रियली डजेंट मैटर मैं फाइव इंटू सेवन करूं या सेवन इंटू फाइव करू इन अर्थमैटिक एल्जेब्रा बट नॉट हि ठीक है algebra, ना जो सिंपल एल्जेब्रा हम करते हैं उसमें तो ठीक है लेकिन यहाँ पे ए इंटू बी बोला है तो मैं ऑर्डर इसका चेंज नहीं कर सकता हूं ए इंटू बी बोला है तो मुझे ए इंटू बी ही करना है मतलब अगर मुझे ए बोला है तो ए का सेट जो है वो पहले आएगा बी बाद में बोला है तो बी का सेट हमेशा बाद में आएगा इसके बाद हम कली ब्रैकेट लगाएंगे अब देखिए ए का फर्स्ट एलिमेंट ठीक है ना मुझे ऐसे शुरुआत करना है ऐसे तो इसको दोनों का प्रोडक्ट निकालने के क्रॉस करने के कई सारे तरीके हैं अब वन ऑफ द मेथड इज दिस कि मैं अब इसका फर्स्ट एलिमेंट लूंगा एंड इस फर्स्ट एलिमेंट को मैं सेकेंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर करके लिखूंगा ठीक है ना तो मैं यहाँ सिंपल ब्रैकेट लगाऊंगा ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो ए किसके साथ पेयर हुआ वन के साथ ए कॉमा वन लिखा हमने फिर ए जो है नेक्स्ट नंबर टू के साथ पेयर होगा तो मैं लिख लूंगा ए एंड टू ठीक है ये जो पेयर है इनको भी मुझे कॉमा से सेपरेट करना है और अंदर भी ये दोनों पेयर आपस में कॉमा से सेपरेट होंगे तो इसके बाद फिर से कॉमन कॉमा आ गया ए गोज विथ थ्री ये हो जाएगा ए एंड थ्री अगेन न कॉमा ए जो है तो दिस बिकम्स बी एंड वन बी जो है टू के साथ पेयर होगा तो दिस बिकम्स बी एन टू एंड बी जो है वो थ्री के साथ पेयर होगा तो दिस बिकम्स बी एंड थ्री हर ऑर्डर पेयर को मैं कॉमा से सेपरेट कर दूंगा सो दिस इज व्हाट ए क्रॉस बी ठीक है तो ये जो ए क्रॉस बी हमने निकाला दिस इज नथिंग बट कार्टिशियन प्रोडक्ट इसको हम कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी बोलते हैं नाउ व्हाई कार्टिशियन प्रोडक्ट इस क्वेश्चन पे भी हम हाँ थोड़ी देर में आते हैं वाई इट इज कॉल्ड कार्टिशियन प्रोडक्ट अब देखिए ए क्रॉस बी हमने ये निकाला बी क्रॉस ए अगर मुझे निकालना होता तो B के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे वन टू एंड थ्री इसको हम क्रॉस करेंगे A के एलिमेंट से, इज A एंड B सॉरी विद इन द सेट अगर ये सेट है विद इन द सेट में इनके ऑर्डर चेंज कर सकता हूं लाइक like, अगर मुझे वन टू थ्री पसंद नहीं है मैं टू वन एंड थ्री भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता बट हाँ ऑर्डर पेयर के अंदर मैं ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकता हूं ठीक है तो ये जो है मुझे कुछ ध्यान रखना होगा कुछ बातों का ध्यान रखना होगा नाउ व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस अगेन द वेरी सेम रूल वन गोज विथ ए दिस बिकम्स वन एंड ए वन गोज विथ बी दिस बिकम्स वन एंड बी अब वन जो है ए के साथ बी के साथ दोनों के साथ हो चुका है मल्टीप्लाई हो चुका है टू विथ ए एंड टू विथ बी दिस इज डन थ्री सो आई हैव थ्री विथ ए एंड थ्री With B. जब ये सारे एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स के साथ क्रॉस हो जाते हैं तो मैं ये जो कॉली ब्रेसेस है इसको क्लोज कर दूंगा अब देखिए दिस इज ए क्रॉस बी जिसकी वैल्यू मुझे मिली ए वन ए टू एन बी टू बी थ्री वेर इज बी क्रॉस ए मुझे मिला वन ए वन बी टू ए टू बी थ्री ए थ्री बी देखिये यहां पे वन और ए मिला जबकि यहां पे मुझे ए और वन मिला था यहाँ पे मुझे ए के साथ टू मिला जबकि यहाँ पे मुझे टू के साथ ए मिला है द ऑर्डर हैज बिन चेंज यहाँ पे ए के साथ मुझे थ्री मिल रहा है जबकि मुझे यहाँ पे थ्री के साथ ए मिल रहा है बी विथ वन वेर इज वन विव टू विथ बी वहां पे बी के साथ थ्री है यहाँ पे थ्री के साथ बी है तो देखने वाली बात है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो पैटर्न मुझे समझ में आया वो ये कि अगर ए क्रॉस बी मुझे मालूम है मुझे बी क्रॉस ए निकालना है मुझे क्रॉस क्रॉस सपोज सपोज दिस इज थ्री बी वन बी टू बी थ्री मुझे बी क्रॉस ए निकालना है तो वेरी इजी आप क्या करो सिर्फ ये जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सिर्फ आप इनके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए दैट इज ए वन बिकम्स वन ए ए टू बिकम्स टू ए एंड ए थ्री बिकम्स थ्री ए बी वन बिकम्स वन एंड बी बी टू बिकम्स टू एंड बी एंड बी थ्री बिकम्स थ्री एंड बी तो मुझे ये बी क्रॉस ए मिल गया अगर मैं इसको इससे टैली करूं तो एग्जैक्टली exactly सेम मिल रहा है हाँ ऑर्डर आगे पीछे हो लाइक like, ऑर्डर यहाँ पे वन ए पहले है उसके बाद वन बी है इसमें वन बी वहां पे है तो वो मैटर नहीं करता ऑर्डर पेयर हमारे देखो मैच हो रहे हैं वन ए वन ए अगर यहाँ पे टू ए है तो यहाँ पे भी टू ए मुझे मिल जाएगा यहाँ पे थ्री ए है तो मिल जाएगा वन बी है तो मतलब मिल रहा है हाँ ऑर्डर पेयर आगे पीछे कर रहे हैं मैटर लेकिन हाँ विद इन द पेयर वो एलिमेंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए ठीक है बात समझ में आ गई अच्छा ये तो हमने समझा क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए अगली चीज जो मैं आपको बताऊंगा सपोज ये, ये मुझे बी क्रॉस ए दिया हुआ है ठीक है ना मुझे मालूम है दिस इज वॉट बी क्रॉस ए अब मुझे बोला फाइंड बी सेट बी क्या होगा कई बार ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि मुझे बी क्रॉस ए दिया हुआ है और मुझे बी निकालना है या फिर सेट ए निकालना है इन दैट केस मुझे यहां पे सबसे पहले तो देखना है बी पहले है कि बाद में है बी पहले है इसका ये मतलब हुआ इसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो पहले एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर होना चाहिए पहला एलिमेंट क्या है इधर वन पहला एलिमेंट क्या है टू पहले एलिमेंट क्या है थ्री पहले एलिमेंट क्या है टू लिख, लिख चुके हैं पहले एलिमेंट थ्री लिख चुके हैं जो लिख चुके हैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है दिस इज सेट बी अगर मुझे बी क्रॉस ए दिया हुआ है मुझे वापस सेट बी निकालना है सो दिस इज द प्रोसीजर मुझे देखना है बी की पोजिशन क्या है फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है फर्स्ट है तो मैं ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दूंगा अगर जैसे मुझे यहाँ पे ए निकालना है वट आल डू ए जो है सेकेंड पोजिशन पे आया तो इसमें जितने भी सेकेंड पोजिशन वाले एलिमेंट्स हैं क्या है ए है ए है लिख चुके हैं ए है लिख चुके हैं बी अगेन बी अगेन बी लिख चुके हैं तो सेट ए मुझे क्या मिल गया अगेन ए एंड बी तो अगर मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है वापस सेट्स निकालने हैं जो भी जो रेस्पेक्टिव सेट्स हैं जिसे मल्टीप्लाई करके ये मिला है तो वो भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इतना समझ में आया कार्टिशियन प्रोडक्ट अब आगे देखिए इट इज कॉल्ड कार्टिशियन प्रोडक्ट तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है या इलेवेंथ में पढ़ेंगे भी या आगे भी पढ़ेंगे तो देखिये एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं लेट्स से वन एंड टू नॉट ऑर्डर्ड पेयर सेट वन एंड टू एंड लेट्स से सेट बी इज थ्री एंड फोर ठीक है बहुत बड़ा नहीं करते ए क्रॉस बी हम निकालते हैं ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए गोज विद बी मतलब वन गोज विद थ्री वन कॉमा थ्री आ जाएगा वन गोज विद फोर वन कॉमा फोर आ जाएगा देन टू गोज विथ थ्री एंड टू गोज विथ फोर यह हमने मल्टीप्लाई कर लिया है ना वन थ्री के साथ वन फोर के साथ टू थ्री के साथ और टू फोर के साथ यह हमने क्या किया ए क्रॉस बी निकाल लिया अब देखिये जो ए क्रॉस बी मुझे मिला है क्या मैं इसको ग्राफ में प्लॉट कर सकता हूं तो देखिए वन कॉमा थ्री वन एंड थ्री दिस इज वन कॉमर थ्री वन कॉम फोर दिस विल बी वन कॉम फोर टू थ्री तो ये जो पोजीशन है ये हो जाएगा टू कॉमर थ्री टू कॉम फोर ये कोई पोजीशन आ जाएगी जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं इन ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं क्या कर सकता हूँ एक ग्राफ पेपर में प्लॉट कर सकता हूँ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वॉट उसमें हम ये जो पोजिशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ना कोऑर्डिनेट हम कोऑर्डिनेट को ही लेके चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारा कुछ जो एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो भी ये पोजीशन पॉइंट्स हैं पॉइंट्स की जो भी लोकेशन है उसको लेके चलते हैं और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये किसने स्टार्ट किया था रेने डेस्क्रेट ने ठीक है ना तो रेने डेस्क्रेट उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है कार्टिशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टिशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं ये जो ग्राफ में ये जो हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं इसको कार्टिशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं तो देखिए ए क्रॉस बी से मुझे क्या मिला कार्टिशियन कोऑर्डिनेट मिले जिसको मैं कार्टिशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस के ग्राफ में या फिर एक्स वाई जेड एक्सिस के ग्राफ में प्लॉट कर सकता हूं तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कार्टिशियन प्रोडक्ट ठीक है इतना समझ में आया तो बेसिकली ये जो कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है इसमें कुछ लाइक uh, like इसका डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे एक्स कॉमा वाई सच दैट इसको हम ऐसे लिखेंगे वट इज एक्रॉस बी एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी ठीक है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी है ना हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड वाई बिलोंग्स टू बी ये हम ए क्रॉस बी की जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं अच्छा फिर इसमें एक और चीज ए क्रॉस बी मुझे निकालना है और मान लीजिए ए और बी दोनों में से एक भी एलिमेंट फाइव है इफ ए इज फाइव और बी इज फाइव वॉट इज फाइव नल सेट है ना याद है ठीक है नल सेट इसको एम टी सेट वाइट सेट भी बोलते हैं ठीक है नल सेट एम टी सेट या व्हाइट सेट बेसिकली एक ऐसा सेट जो खाली है मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है है ना और इसको फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं बट इसका एक दूसरा नोटेशन भी है कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं नॉट इवन जीरो जीरो भी नहीं होना चाहिए ठीक है और फाइव भी नहीं होना चाहिए या तो खाली फाइव बनाइए या तो खाली कली ब्रैकेट बनाइए उसके अंदर कुछ नहीं डालना है ठीक है ना दिस इज नॉट नल सेट ध्यान रखना यह गलती नहीं करना बहुत लोग गलती कर देते हैं सो so, या तो ए एम टी एम टी सेट है या तो बी एम टी सेट है ठीक है ना इन दैट केस इफ ए इज फाइव और बी इज फाइव इन दैट केस ए क्रॉस बी इज फाइव ठीक है तो मुझे दो सेट का जो क्रॉस है, है ना जो क्रॉस प्रोडक्ट है या कार्टिशन प्रोडक्ट है वो फाइव मिल रहा है नल सेट मिल रहा है तो जरूरी है कि जो दो दो सेट है दो में से कम से कम एक सेट जो है वो खाली हो ठीक है ना इट इज लाइक इन अगर मुझे A, uh, A मिल रहा है, तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा राइट right? इतना समझ में आ गया अब देखिए अगर मुझे तीन सेट मिलते लाइक like, ये तो दो सेट है अगर तीन सेट मिलते तो क्या मैं उनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं जैसे नंबर भी अगर टू इंटू थ्री इंटू फोर मुझे बोला है तो मैं कर सकता हूं तो सेट को भी कर, सक, कर सकते हैं ठीक है ना जैसे मुझे बोला टू इंटू थ्री सॉरी इंटू फोर तो क्या करूंगा मैं या तो पहले टू इंटू थ्री कर लूंगा फिर फोर से मल्टीप्लाई करूंगा या फिर पहले थ्री और फोर मल्टीप्लाई कर लूंगा फिर इंटू टू करूंगा या फिर टू और फोर मल्टीप्लाई कर लूंगा फिर इन टू थ्री करूंगा ठीक है ना मैं किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकता हूं यह हमें मालूम है <coughs> तो तीन सेट अगर मुझे मिलते हैं आ, बहुत लंबा नहीं करते लेट से ए मुझे दिया हुआ है वन कॉमा टू बी मुझे दिया हुआ है थ्री कॉमा फोर सी मुझे दिया हुआ है फाइव कॉमस सिक्स मुझे बोला है फाइन ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए सबसे पहले ए आया तो हम ए ही लिखेंगे उसके बाद बी आया तो हम बी ही लिखेंगे और उसके बाद में सी आया तो हम ही लिखेंगे दिस इज इंपॉर्टेंट आई नॉट चेंज अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है लाइक टू इंटू थ्री इंटू फोर में हमने देखा था हम कैसे भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता बट यहां पे हमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ठीक है यहाँ पे ऑर्डर मत चेंज किए थे अदरवाइज गलत हो जाएगा हाँ, इतना जरूर मैं कर सकता हूं कि अब देखिए मैं आई कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम लाइक टू इंटू थ्री इंटू फोर मुझे आंसर सेम मिल रहा था यहां पे हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है लेकिन हाँ यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑल द थ्री नंबर्स एट द सेम टाइम मैं कैसे रिजल्ट निकालता हूं पहले मैं कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं फिर उसके रिजल्ट से तीसरे को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा पहले कोई भी दो सेट को मल्टीप्लाई करूंगा फिर उसके रिजल्ट से तीसरे सेट को मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन यहां पे पहले कोई भी दो सेट नहीं होके इट हैज टू फॉलो द ऑर्डर मतलब यहां पर मैं या तो ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करूं उस रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई करूं या फिर पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करूं उसके रिजल्ट को फिर मैं ए से मल्टीप्लाई करू ठीक है ना इस बात का मुझे ध्यान रखना है लाइक like, मैं मैं ये नहीं कर सकता। कर सकता ए सी पहले लूं और उसके बाद बी को मल्टीप्लाई करू करना लेकिन यू डोंट चेंज द ऑर्डर है ना कभी भी ए बी सी का रिलेटिव ऑर्डर चेंज मत कीजिए और उसमें फिर आप किसी भी तरीके से लाइक like, पहले वाले दो ले लीजिए आखिरी वाले दो ले लीजिए दैट इज टोटली ओके है ना दैट इज अप टू यू तो मैं ऐसे करता हूं कि पहले ए और बी को क्रॉस करता हूं तो देखिए वन गोज विथ थ्री एंड वन गोज विथ फोर तो हो जाएगा वन गोज विथ थ्री एंड वन गोज विथ फोर वन इज डन टू गोज विथ थ्री एंड टू गोज विथ फोर दिस प्रोडक्ट इज कंप्लीट इसको किससे मल्टीप्लाई करना है फाइव कॉमस सिक्स से ठीक है, जो ब्रैकेट से मुझे इसका ध्यान रखना है Since this is a set, मुझे कहली ब्रैकेट लगाना है मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं ठीक है ना आप कहली ब्रैकेट ठीक से लगाएंगे और सिंपल ब्रैकेट भी ठीक से लगाएंगे अब देखिए इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना है अब देखिए यहां पे क्या करना है मैं इस वन थ्री को लिखूंगा सबसे पहले फर्स्ट कम्स फर्स्ट नेक्स्ट कम्स नेक्स्ट तो पहले वन थ्री मिला तो वन थ्री को मैं एज इट इज लिखूंगा अब इसमें मैं किसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फाइव को तो फाइव उसके बाद आएगा ठीक है फाइव इज डन यही जो वन थ्री वाला पेयर है दिस गोज विथ सिक्स तो ये हो जाएगा वन एंड थ्री गोज विथ सिक्स नाउ दिस पेयर इज डन नाउ वन फोर वन फोर गोज विथ फाइव ठीक है सिमिलरली वन फोर गोज विथ सिक्स दिस वन फोर इज डन नाउ टू थ्री आगे जगनी मैं यहां लिख देता हूं टू थ्री गोज विथ फाइव एंड टू थ्री गोज विथ सिक्स टू थ्री इज डन अच्छा टू फोर गोज विथ फाइव एंड टू फोर goes with 6. ये हमें a क्रॉस b क्रॉस c मिल गया इसके अंदर लाइक like, ये जो ट्रिपलेट्स हैं इनको आगे पीछे कर सकता हूं लाइक वन थ्री फाइव और वन थ्री सिक्स मैं सिक्स को पहले लिख लू फाइव को बाद में लिख लू वो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हाँ विद इन द ट्रिपलेट इनके ऑर्डर लाइक सिक्स पहले आ जाए वन बाद में आ जाए ये ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता हूं। हाँ, ये पूरा ब्रैकेट उठा के इधर रख दो ये पूरा ब्रैकेट उठा के इधर रख दो वो चलेगा लेकिन इसी ब्रैकेट के अंदर मैं ये जो एलिमेंट है इनको रीअरेंज कर लूँ वो एप्लीकेब वो जो है अलाउड नहीं है ठीक है ये बात समझ में आ गई अगेन इसमें अगर जैसे हमने कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में देखा था थ्री सेट में भी लाइक दिस इज द प्रोडक्ट अब ये किसका प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी ठीक है ना अब देखिए अगर आपको वापस ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है तो आप क्या करेंगे दिस इज ए क्रॉस बी क्रॉस और मुझे बोला वापस ए फाइंड करो तो मुझे यहां पे देखना है ए की पोजिशन कहां पे है ए इज इन द फर्स्ट पोजिशन तो मुझे चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको देखना है फर्स्ट एलिमेंट इज वन फर्स्ट एलिमेंट इज वन फर्स्ट एलिमेंट इज वन हो चुका है फर्स्ट एलिमेंट इज वन फर्स्ट एलिमेंट इज टू 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 ये मुझे ए मिल गया मैं चाहता हूं मैं बी निकालू बी क्या है सेकेंड पोजिशन पे सेकेंड पोजिशन पे क्या है थ्री थ्री फोर फोर थ्री थ्री फोर फोर हो चुका मैं चाहता हूं सी निकालो सी की पोजीशन क्या है थर्ड थर्ड में है मेरे पास सिक्स फाइव फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स सी मुझे वापस मिल गया ठीक है समझ में आ गया आप देखिए आपको बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट आप देखिये नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे एलिमेंट्स अब जैसे मुझे कार्टिशियन प्रोडक्ट में क्या मिलेगा ए कॉमा बी एंड ए कॉमा सी वट तो यहाँ पे ये यह जो एक ऑर्डर्ड पेयर है इसको मैं एक एलिमेंट की तरह कंसिडर करूंगा राइट तो ये जो एक पेयर है या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बजाय नंबर ऑफ ऑर्डर इन द कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, है ना या फिर नंबर ऑफ ट्रिपलेट इन द दर्टिशन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, ठीक है एंड सो ऑन। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए अब देखिए मान लीजिए ये एक सेट ए है एक सेट बी है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन ए ठीक है एन ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ इन ए ठीक है ना सिमिलरली बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लेट्स से देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रॉस अगर बाहर N लगा हुआ है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज ऑलवेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ठीक है जैसे मान लीजिए सेट ए में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं जैसे फाइव और थ्री कितने एलिमेंट्स हैं? दो ही एलिमेंट्स हैं। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज टू मान लीजिए एलिमेंट्स हैं थ्री एलिमेंट्स मैं अगर इनका क्रॉस निकालता हूं तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना मिलना चाहिए नंबर ऑफ इस फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ ए ए कितना है टू नंबर ऑफ बी कितना है थ्री यानी कि टू थ्रीज सिक्स मैं अगर इनका क्रॉस निकालता हूं तो मुझे कितने पेयर्स मिलने चाहिए सिक्स पेयर्स मिलने चाहिए जो कि अगर हम अभी निकाल के देखें तो मिल जाएंगे जैसे अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो फाइव गोज विथ सिक्स फाइव गोज विथ सेवन फाइव गोज विथ नाइन तो ये हो जाएगा फाइव एंड सिक्स फाइव एंड सेवन फाइव एंड नाइन अच्छा इसी तरीके से थ्री गोज विद सिक्स थ्री गोज विथ सेवन थ्री गोज विथ नाइन तो ये हो जाएगा थ्री एंड सिक्स थ्री एंड सेवन थ्री एंड नाइन राइट ये हो गया अब मैं इसमें पेयर्स काउंट करता हूं वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स एग्जैक्टली सिक्स ठीक है तो ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ Ordered pairs, वो हमेशा एन ए इंटू एन बी होगा इसी तरीके से अगर मुझे ट्रिपलेट एलिमेंट्स इन सी एंड सो ऑन मान लीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस एफ एंड सो ऑन तो इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी एंड सो ऑन ये होता रहेगा ठीक है तो ये इस तरीके से हम जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट है ना कोई प्रोडक्ट में मुझे कितने पेयर्स पेयर्स ऑर्डर्ड या या ट्रिपलेट है ना या फिर एन ट्यूबल मिल सकते हैं वो हम इसमें ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंडिविजुअल सेट का प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं ये समझ में आया इतना तो आपने समझा अब आगे देखिए Uh, मुझे बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज ये तो है लेकिन कब तक जब तक ए एंड बी आर फाइनाइट सेट ठीक है ना ए और बी क्या है ये फाइनाइट सेट है अगर ए और बी दो में से एक भी सेट इनफाइनाइट हो जाता है ठीक है, तो इन दैट केस ए क्रॉस बी के भी एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे ठीक है बात आपने ठीक है ना तो बहुत जरूरी है कि ए क्रॉस बी फाइनाइट हो उसके लिए ए और बी दोनों फाइनाइट होने चाहिए अगर एक भी इनफाइनाइट हो गया तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा ठीक है अच्छा इसमें हाँ एक और चीज कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ जब मैं सेट बता रहा था उसमें एक क्रॉस B क्रॉस C इसको हम लिखेंगे कैसे ठीक है ना जैसे A क्रॉस B मैंने आपको बताया क्या है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी ठीक है ना तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिखा अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया तो करना कुछ नहीं है जो एक्स और वाई हमने बोला था इसमें एक एलिमेंट और इंट्रोड्यूस कर दीजिए क्योंकि यहां पे एक सेट और इंट्रोड्यूस हो गया तो एक्स वाई जेड मैंने ले लिया सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट सिमिलरली हमने जो है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया अब इसी तरीके से अगर मुझे मान लीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी मिलता तो मैं इसको एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसे लिख लेता है ना कोई भी मैंने लेटर्स uh, इंट्रोड्यूस कर लिए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट वाई बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट जेड बिलोंग्स टू द थर्ड सेट एंड W belongs to the fourth set. ऐसे चलते रहेगा ठीक है ना ये बात समझ में आ गई तो इसी तरीके से अगर मैं इसको n नंबर तक लेके चलता हूं लाइक मान लीजिए मुझे A1 वन क्रॉस ए टू क्रॉस ए थ्री अपटिल ए एन मिलता है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आप देखिए इतने लेटर्स तो हो नहीं सकते तो मैं क्या करूंगा x1 वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री एक्स एन सच दैट क्या होगा जो फर्स्ट एलिमेंट है बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट अपटिल लास्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द लास्ट सेट ठीक है इतना समझ में आ गया तो ये है क्या अ सेट बिल्डर फॉर्म फॉर राइटिंग अ सेट है ना जहां पे हम एन नंबर ऑफ है ना एन सेट्स का प्रोडक्ट uh, निकाल रहे हैं ठीक है ना ये इतना समझ में आ गया अब देखिये इन सेट को ये तो आपने देख लिया तो हमने अभी तक क्या सीखा एक तो प्रोडक्ट करना दो सेट का कार्टिशियन प्रोडक्ट अच्छा उस प्रोडक्ट को हम लिखते कैसे एक तो जितने भी ऑर्डर पेयर या ऑर्डर ट्रिपलेट या वॉटर है उसको लाइन से लिख लीजिए दूसरा तरीका है सेट बिल्डर बिल्डअलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी या फिर x y z सच दैट वट ठीक है ना ये दो तरीके इसके अलावा हमारे पास और भी मेथड है एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कार्टिशियन प्रोडक्ट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे मान लीजिए ये हमें दिया हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है ए क्रॉस बी मुझे क्या मिल जाएगा वन विथ थ्री ये मुझे मिल गया तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ठीक है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे ठीक है ग्राफिकल मतलब ग्राफ राइट तो यहां पे मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो पोजीशन क्या है वन कॉमा थ्री वन गोज विथ थ्री ये वन कॉमा थ्री होगा अच्छा वन गोज विथ फोर वन एंड फोर तो वो ये हो गया ये आपका एक्स एक्सेस हो गया यह आपका वाई एक्सेस हो गया या फिर बोले ठीक है ना तो हमेशा दट एवर इट इज गोज इनसेट है इट ऑलवेज गोज ऑन द वाई एक्सेस ये हमें ध्यान रखना है ठीक है ना हमें अपनी मर्जी से मान लीजिए कभी कभी ये होता है ना कि कंफ्यूजन मुझे सेट ए के बजाय सेट एक्स दिया है और यहाँ पे सेट बी के बजाय सेट वाई दिया है ठीक है ऐसे ले लेते हैं सेट वाई दिया सेट एक्स दिया है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे वाई क्रॉस एक्स है ना वाई क्रॉस एक्स ये मिलेगा तो यहाँ पे क्या होता है कंफ्यूज uh, हो जाते हैं कि uh, जो ये वाली वैल्यू है इसको कहां पे प्लॉट करना है वाई पे नहीं नहीं ये सेट वाई है वाई एक्सेस नहीं है ये ध्यान रखना है ठीक है ना तो वन थ्री वन फोर सिमिलरली टू विथ थ्री यहां कहीं पे आ जाएगा एंड टू विथ फोर यानी यहां कहीं पे आ जाएगा तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली उसकी पोजीशन को मुझे प्लॉट करना है पोजीशन को प्लॉट करके आ, उस पॉइंट को जो भी है वो उसको लिख देना है ठीक है ना दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक और रिप्रेजेंटेशन है विच इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रोडक्ट को डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मान लीजिए ए कॉमा बी दिया हुआ है वन टू थ्री दिया हुआ है ठीक है अब मुझे निकालना क्या है ए क्रॉस बी तो मैं सेट ए बनाऊंगा ऐसे ओवल शेप बना लूंगा सेट बी बनाऊंगा ओवल शेप बना लूंगा सेट ए की जितनी भी एलिमेंट्स है उसको यहां पे लिख देता हूं ए बी सेट बी की जितनी भी एलिमेंट्स है उसको यहां पे लिख देता हूं अब देखिए मल्टीप्लाई होगा ए टू से मल्टीप्लाई होगा मतलब ए मल्टीप्लाई इन द सेंस उसके साथ पेयर करेगा तो ए पेयर्स विथ वन विथ टू विद थ्री सिमिलरली बी पेयर्स विद वन बी टू के साथ पेयर होगा बी थ्री के साथ पेयर होगा तो हम ये Uh, जो डायग्राम बना दे रहे हैं दिस इज वॉट डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ठीक है ना इसको हम एरो डायग्राम भी बोलते हैं ठीक है ना एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी ठीक है क्लियर है ये?